नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम लूणकरणसर भीमसेन पार्क में आयोजित किया गया। पूर्व में कांग्रेस से निष्कासित वीरेंद्र बेनीवाल, पुनः अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और रंधावा जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन के बाद पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल, वीरेंद्र बेनीवाल दोनों साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष विष्णाराम सियाग, ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद गोदारा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पतराम गोदारा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजाराम जाखड़, मुखराम धरतवाल, जाट महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता हेतराम गोदारा, छटासर और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पार्टी में वापसी हुई आपकी और कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई आपकी, अब कैसे साधेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी पहले से कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया है। दो गुटबाज थी लोकसभा चुनाव के अंदर, जो राजेंद्र मुंड को और आप दोनों अलग अलग थे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के, अब कैसे? देखिए, ऐसा है, आज देश में हवा चल रही है और भागम भाग मची, लोग सत्ता की ओर दौड़ रहे हैं। जो पार्टी में पद पर, जिम्मेवारी के पद पर, वो लोग भी कहीं और अपनी शक्ति को लेकर के दौड़ रहे हैं। देश की विषम परिस्थितियां हैं, हालात विषम हैं। जो फैसले कल लिए गए, उन फैसलों से जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से मंथन और चिंतन लगातार कर रही है इस चुनाव के दौरान। उसी मंथन और चिंतन में उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हमसे फैसला लेने में कुछ चूक हुई, तो उनके स्वीकार करने के बाद में बहुत कुछ रहा नहीं। और चूंकि हम पैदाइशी कांग्रेसी हैं और आज तक जो भी काम किया है ईमानदारी के साथ में किया है, किसान परिवार के हैं, किसान ने अपने खेत को सरसब्ज करने के लिए ईमानदारी से उसके अंदर बीज भी दिया और फसल का ध्यान करा और फसल को काट करके इस देश को खुशहाल बनाने के लिए काम किया, उसी तर्ज पर मैं भी उसी पद पर हाजिर हूँ। जो फैसला लिया गया था, उस फैसले से विरोध यहाँ के कार्यकर्ताओं का था और बदली परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने ही ये सामूहिक रूप से फैसला लिया कि हम एक बार फिर जिस भूल को सुधार कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, तो हम भी कांग्रेस को ताकत दें और हम यहाँ पर अपनी जगह पर आज यहाँ पर हाजिर हैं। आने वाले कल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को बढ़ चढ़ करके वोट मिले, इसके लिए हमारे पूर्ण प्रयास रहे। सर, वीरेंद्र बेनीवाल की वापस पुनः वापसी हुई है आपकी पार्टी के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि राजेंद्र मुंड और वीरेंद्र बेनीवाल एक मंच में एक साथ चल सकते हैं? देखिए, वीरेंद्र जी बेनीवाल हमारे पार्टी में हमारे गार्जियन है, वरिष्ठ नेता है, उनका पूरे जिले में जबरदस्त असर है। राजेंद्र जी मुंड, वीरेंद्र जी बेनीवाल, मंगलाराम जी, हमारे रामेश्वर जी जो डूडी है उनका परिवार, कांग्रेस आप बिल्कुल एक है और कम से कम 3 लाख से हम अर्जुन राम को हरा के भेजेंगे।